भारत की राजधानी दिल्ली से एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ते दिखाई दिए। इसी दौरान दिल्ली पुलिस का एक सिपाही आकर नमाज पढ़ रहा व्यक्ति और उस व्यक्ति को सजदे में ही पैर मार दिया और फिर उस व्यक्ति के आगे जो दूसरा व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था उसको भी पैर मार दिया, घूंसे और थप्पड़ का भी इस्तेमाल किया। पुलिस कर्मी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो हमारे भारत के लिए बहुत शर्म की बात है। इस घटना से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है और इस संबंध में समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन से बात की तो उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी इस वक्त देश में हो रहा है इसकी उम्मीद हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं की थी। सामने आई थी, वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। सिचुएशन थी वो अब नॉर्मलाइज हो गई है और हम लोकल लोग हैं उनके साथ मिलके ये मैसेज हमने सबको पहुंचाया है कि जो इलाके की कानून व्यवस्था है और जो इलाके का लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना है और अब काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं, ट्रैफिक भी खुल चुका है। और जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हार्मनी। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से एक अपील करना चाहता हूं और साथ ही साथ इस दिल्ली पुलिस के घिनौने अफसर जिसने नमाजी सिजदे में थे उनको लात मार करके उठाया और बदतमीजी करी। यह वाकया है, आज जुम्मे की नमाज में इंदर लोग मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ रहे लोगों को दिल्ली पुलिस, जो कि वहां के, मैं वीडियो भी साझा आप लोगों से कर रहा हूं, सजदे में हमारे लोग जो सजदे में अल्लाह की राह में पड़े थे उनको लात मार करके दिल्ली पुलिस के जवान मार करके उठा रहे हैं। यह देश का संविधान है, यह नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यह दिल्ली पुलिस उस विश्वास को तोड़ रही है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और दिल्ली पुलिस हमारी बीजेपी सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए सजदे में पड़े नौजवान, सजदे में पड़े अल्लाह की राह में पड़े, उनको समझाया जा सकता था कि आप रोड पर नमाज ना पढ़े, और अब से नहीं हो रहा है, 200 साल से नमाज पढ़ी जा रही है मस्जिद में, वहां पर आप मुसलमानों को लात मार करके उठाएंगे? आपकी इतनी औकात हो गई कि आप मुसलमानों को लात मार करके नमाज में से उठाएंगे? ऐसे पुलिस ऑफिसर को सख्त से सख्त सजा दी जाए, वरना हम घेराव करेंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर का और हम माननीय गृह मंत्री जी के निवास पर कल जाकर के, अगर इसको सस्पेंड नहीं किया गया तत्काल दिल्ली पुलिस की तरफ से यह जवाब नहीं आया तो हम लोग विशाल धरने पर बैठेंगे और हम लोग देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे पुलिस ऑफिसरों को जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जो मुसलमानों को मार रहे हैं, एक तरफ मुसलमान अपना विचार बदलता है कि हम देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री चुन करके फुल बहुमत से 400 प्लस सीटें ला करके हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, दूसरी तरफ ये दिल्ली पुलिस उन मुसलमानों को मार करके क्या मैसेज देना चाहती है, इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट।